गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 60 डेज को कैसे प्लान कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 67 बीपीएससी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो आप मान के चल सकते हैं कि अराउंड आपको 60 डेज मिल चुका है। तो इन 60 डेज का आपका क्या प्लान होना चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया है 60 डेज प्लान। तो एंड उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, सॉरी फॉर द डिले, मैं थोड़ा बिजी था तो इस वजह से मैं 2 मंथ तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट आई विल ट्राई कि अब मैं रेगुलर रहूँ। और अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, यूपीएससी या फिर बीपीएससी या यूपीपीसीएस, आप इस कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हो, या फिर मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूँ, या फिर आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि मैंने अपना प्लान यहाँ बना रखा है, 60 डेज प्लान बीपीएससी, तो इसमें आप 2 टाइम स्लॉट में बांट सकते हो, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग में आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो और इवनिंग में एक सब्जेक्ट। तो मॉर्निंग में मैंने हिस्ट्री लिया है और इवनिंग में साइंस, वैसे ही ज्योग्राफी पॉलिटी एंड ऑल। तो फर्स्ट 10 डेज में मैं हिस्ट्री कवर करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैं थोड़ा वीडियो लेट डाल रहा हूँ, आज हो चुका है 11 तारीख, बट मैंने 8 तारीख से स्टार्ट कर दिया था, तो मैं ये 10 दिन दे रहा हूँ हिस्ट्री को, क्योंकि जो मेजर चंक है जैसे 30-35 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, साइंस से भी उसी के अराउंड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी मैंने 10 डेज दिया है। तो आप पूछोगे कि इसके रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो देखो मैं जो रिसोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए एक महेश बर्नवाल की बुक आती है जो कि ज्योग्राफी के लिए भी बहुत पॉपुलर है, तो वो मैं फॉलो कर रहा हूँ एंशियंट एंड मिडिवल के लिए। और मॉडर्न के लिए तो आपको पता ही है स्पेक्ट्रम। अब इन एंशियंट, जैसे एंशियंट का कोई चैप्टर उठा लो, जैसे इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अब मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, अब मुझे मॉक टेस्ट देना होगा कि मैं जो अपना नॉलेज है उसको टेस्ट कर सकूं। तो उसके लिए मैं घटना चक्र का यूज करता हूं। मैं घटना चक्र जाता हूं, हिस्ट्री का जो मैं घटना चक्र ले रखा हूं उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर खोलता हूं, और जो भी एंशियंट से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं यहां से सॉल्व कर लेता हूं। उसी तरह साइंस सेक्शन के लिए, साइंस में भी मैंने 10 डेज ले रखा है, जैसे 8 दिसंबर से 17 दिसंबर तक। इसके लिए मैं जो सोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ घटना चक्र, और मैंने नोट्स बना रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के उसको, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो। और ये तीनों सेक्शन, अगर आपके पास घटना चक्र नहीं है साइंस की, तो आप लूसेंट का जो आता है उससे आप लगा सकते हो, जनरल साइंस की जो लूसेंट आता है उससे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन हर साल मोस्ट क्वेश्चन रिपीटेड ही होता है, या फिर उसके अकॉर्डिंग ही होता है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो उस टॉपिक को आप पढ़ के जाओगे तो आपका साइंस पेपर भी अच्छा होगा। तो नेक्स्ट आता है मेरा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैं 17 तारीख तक ये कवर हो गया, हिस्ट्री एंड साइंस। फिर मैं 2 सब्जेक्ट उठाऊंगा, मॉर्निंग में मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा और इवनिंग में पॉलिटी। तो मॉर्निंग में जो ज्योग्राफी है उसका मैं रिसोर्सेस क्या है, जो 11th एंड 12th एनसीईआरटी है, 11th में 2 बुक हैं और 12th में 2 बुक हैं, इनको पढ़ने के बाद पैरेलल, जैसे एक चैप्टर मैंने कंप्लीट किया तो फिर मैं घटना चक आकर उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिया, तो इतना कुछ करने के बाद अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के दिन भी दिखेगा। पॉलिटी में वैसे ही सेम प्रोसीजर करेंगे 18 से 27 तक, इसमें भी मैंने 10 दिन दिए हैं। इसमें लक्ष्मीकांत में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे फंडामेंटल राइट हो गए, प्रियम्बल हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप
चाहते हो कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लक्ष्मीकांत के, उसको कैसे 10 दिन में कवर करें, तो आप बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत के, जो कि 10 दिन में आप इजीली कवर कर लोगे। उसके बाद आप घटनाचक्र, सेम घटनाचक्र में आकर, जैसे एक सब्जेक्ट आपने एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद घटनाचक्र से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, तो ऐसे आप पॉलिटी सेक्शन कवर कर लोगे। फिर 28 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मैं क्या करूँगा, डेली जो मैथ के 10 क्वेश्चन होते हैं उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूँगा, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा कॉन्सेप्ट को समझने में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में। और मेरे पास एक रिसोर्स भी है, मेरे पास पैरामाउंट का अर्थमेटिक वाला बुक है, तो मैं वो उससे जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया और भी जो भी टॉपिक हैं इसमें परसेंटेज वगैरह और प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा मैथ का। 10 दिन में इनफ है, इतना टाइम इनफ है। उसके बाद मैं इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट स्कीम, मतलब इकोनॉमी 10 दिन दी, इकोनॉमी में मैं जो गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह हैं, और उसके लिए मैं रमेश सिंह फॉलो कर रहा हूँ। रमेश सिंह अगर आपके पास नहीं है तो आप इकोनॉमी की कोई भी बुक यूज कर सकते हो, और मोस्टली इसमें करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएंगे। तो इकोनॉमी के लिए मैं 28 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, सॉरी यहाँ 10 जनवरी होना चाहिए, ये चीज़ मैंने यहाँ गलत कर दिया है, बट यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप, ये जनवरी होगा, 10 जनवरी तक ये रहेगा। उसके बाद करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, डेली 1 आवर। आप कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन यूज कर सकते हो, लाइक स्पीडी हो गया, एडिटोरिया हो गया, एडिटोरिया के जो अभी कंपाइलेशन आएगा 1 ईयर का, शायद आ भी चुका है तो उससे देख लेना। ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। डेली 1 आवर आपको पढ़ना है, पूरे 8 तारीख से लेके जब तक 60 डेज आपको 1 आवर डेली पढ़ना है, मतलब आप 60 घंटे दे चुके हो करंट अफेयर में। और 60 घंटे करंट अफेयर देने में आपका करंट अफेयर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद बिहार स्पेशल डेली 20 मिनट, मेरे पास बिहार समग्र की, मैं उससे पढ़ रहा हूँ बिहार समग्र से, तो बिहार सेक्शन में बिहार हिस्ट्री हो गया, बिहार इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वो सब। तो ये सेक्शन मेरा 10 जनवरी तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद रिवीजन कैसे करें, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपने पढ़ लिया, उसके बाद रिवीजन अगर नहीं करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं। तो रिवीजन के लिए मैंने टाइम स्लॉट बांट दिया, 4 दिन दिया है हिस्ट्री को, 4 दिन दिया है साइंस को, 4 डेज दिया हूँ ज्योग्राफी को एज एंड पॉलिटी को, और हियर मैथ को 1 फरवरी से 4 फरवरी, इकोनॉमी को 5 फरवरी से 8 फरवरी। उसके अलावा जिस दिन मेरा ये कंप्लीट हो रहा है 10 तारीख को, एक दिन 2 दिन रेस्ट ले सकते हो, और या फिर अगर किसी दिन आप मिस हो गया, 2 दिन मैंने इसलिए गैप लिया है, 12 जनवरी से रिवीजन स्टार्ट किया है, और 12 जनवरी ऑनवर्ड आपको डेली एक मॉक पेपर दिया है। अब पूछोगे मॉक कैसे कहाँ से दे, मेरे पास मॉक पेपर तो अवेलेबल है नहीं, तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि कैसे आप फ्री ऑफ मॉक टेस्ट दे सकते हो डेली। तो डेली एक मॉक पेपर देना है और उसका अगले दिन रिवीजन करना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो सारा रिवीजन प्लान कैसे है, तो इसको आप 2 टाइम्स रिवाइज कर लिए, या फिर हिस्ट्री इतने में 2 दिन 2 टाइम भी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और यहाँ जैसे मैंने बताया कि 1 ईयर का आपको करेंट अफेयर पढ़ना है डेली 1 आवर, तो
तो ऐसे आप पढ़ सकते हो, डेली एक मंथ पकड़ लो, जनवरी से स्टार्ट करो, जनवरी 2021 से। और एग्ज़ाम से जाने से पहले एटलीस्ट 40 मॉक टेस्ट लगा के जाना, मैं मिनिमम बोलूँगा 30 मॉक टेस्ट विद रिवीजन। अगर मॉक टेस्ट नहीं मिलता है आपको, या फिर मैंने जो ये वीडियो में बताया कैसे आप फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हो, अगर वो भी आप पॉसिबल नहीं कर पाते तो आप यहाँ नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताऊंगा और वहाँ से आपको मैं जो बीपीएससी के पेड टेस्ट सीरीज हैं, जैसे परफेक्शन आईएएस हो गया, आस्था आईएएस हो गया, तो इन सारे कोचिंग सेंटर्स का मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको मेरा ये स्ट्रेटेजी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अगर ये वीडियो सही लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मैंने देखा है कि बहुत सारे यूजर्स मेरे वीडियोस व्यूअर्स मेरे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। गाइस, अगर मैं टाइम निकाल कर बनाता हूँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बूस्ट मिलेगा। और इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइस।